ओडिशा के पुरी में भगवान सूर्य को समर्पित ये है कोणार्क मंदिर। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों से मिलकर बना है। कोण यानी कोना या किनारा और अर्क का अर्थ है सूर्य। इसका मतलब हुआ सूर्य का किनारा। ओडिशा राज्य में ये एक लौता ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जिसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। मंदिर के गहरे रंग के लिए इसे काला पगोडा भी कहा जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर 750 से भी ज्यादा साल पुराना है, जिसका निर्माण 1250 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि राजा नरसिंह देव ने 12 सालों के पूरे राजस्व को मंदिर के निर्माण में ही लगा दिया था। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश पर ही गिरती है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर की संरचना रथ के आकार की है। इस रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। एक पहिए का डायामीटर लगभग 3 मीटर का है। ये पहिए मंदिर के मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं, क्योंकि ये पहिए घड़ी की तरह समय बताने का काम करते हैं। इसलिए इन पहियों को धूप घड़ी भी कहा जाता है। इन पहियों को आप इंडियन करेंसीज पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही इस रथ में 7 घोड़े भी हैं, जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। प्रवेश द्वार पर एक और चीज है जो सबका ध्यान आकर्षित करती है, और वो है द्वार के दोनों तरफ बनी ये मूर्तियाँ। इन मूर्तियों में सिंह के नीचे हाथी है और हाथी के नीचे मानव शरीर है। इन मूर्तियों के जरिए मानव जीवन की समस्याओं को अनोखे तरीके से पेश किया गया है। यहाँ सिंह गर्भ का प्रतीक है, जबकि हाथी संपत्ति का। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि गर्भ और संपत्ति मानव का विनाश कर देते हैं। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण समुद्र के किनारे किया गया था, लेकिन पिछली 8 शताब्दियों में समुद्र से इसकी दूरी बढ़ती चली गई। कहा जाता है इसके लगभग 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नाम की नदी भी बहा करती थी, जो अब विलुप्त हो गई है। नदी के वहां होने को भी प्रमाणित किया जा चुका है। मंदिर से जुड़ी एक किंवदंती है कि इसके निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक लगातार काम किया, लेकिन निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर पाए। मुख्य आर्किटेक्ट बिसु मोहराना के बेटे धर्मपदा ने मंदिर के निर्माण को पूरा किया, लेकिन मंदिर के पूरा होने पर उसने चंद्रभागा नदी में कूदकर जान दे दी। कोणार्क मंदिर के बारे में एक रोचक तथ्य है कि मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लोहे की चादरों और चुंबकों का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही मुख्य मंदिर की चोटी में 52 टन चुंबकीय लोहे को भी लगाया गया था। इन विविध चुंबकों के अनोखे समायोजन के कारण से ही मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में झूलती थी। बताया जाता है कि पुर्तगाली नाविकों ने इस चुंबक को मंदिर से निकाल लिया, क्योंकि इस चुंबक के कारण नौका चालन में कठिनाई होती थी। इस मंदिर के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, Here the language of stone surpasses the language of man। यहाँ आने के बाद ये कथन एकदम सही लगता है। इतिहास और जबरदस्त नक्काशी के शौकीन पर्यटकों के अलावा यहाँ उनके लिए भी बहुत कुछ है जो यात्रा में कुछ खास और रोचक की तलाश करते हैं। साथ ही आप चाहें तो यहाँ होने वाले कोणार्क डांस फेस्टिवल का भी लुत्फ दिसंबर के महीने में आकर उठा सकते हैं।